मंदार को कभी गोली नहीं लगी, हमेशा साइड से स्क्रैप करके निकल जाती, पर आज हार्ट के एकदम सेंटर में लगी। और ऐसा कहते हैं कि जब एक हंटर को गोली लगती है ना, तो उसकी पूरी जिंदगी उसके नज़रों के सामने से फ्लैशबैक में फास्ट फॉरवर्ड होके निकल जाती है। देख मंदार, तेरे सारे दोस्तों की शादी हो गई है, अब तू भी शादी कर ले। हाँ, शादी कौन करेगा, पागल है क्या? मेरे हंसते खेलते दोस्त आज रो रहे हैं। देख, या तो किसी से लव करके शादी कर ले, और अगर वो नहीं हो रहा है तो अरेंज मैरिज कर ले, नहीं तो डिवोर्स ही मिलेगी। इसको नींद आ रही है, घर चलते हैं। सोच लो मंदार। चलिए यार मंदार, चलते हैं, खाना खा ले, मुझे और पीना है। ए चलना, चलते हैं ना कट्टू लिटिल लिटिल। हाँ नहीं यार, आज नहीं, सुबह सुबह एडमिशन की लाइन में खड़ा होना है। कल चलते ना। नहीं, कल नहीं हो सकता, कल मेरा डेट है, 2 महीने से सेटिंग कर रहा हूँ। इस सेटिंग वेटिंग से पकता नहीं क्या तू? क्यों पकूंगा, इट्स अ फिजिकल नीड, और इमोशनल नीड भी तो इम्पोर्टेंट है। तो एक काम कर, शादी कर ले, बच्चे पैदा कर, मजे कर, और उनकी भी शादी करो। देखो बात सिंपल है, शादी लव हो अरेंज, जो भी हो, लव और सेक्स के बीच में कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। इट्स अ फिजिकल नीड, तो बोर कैसे हो सकते हैं उससे? जब से मैं पैदा हुआ है, मैं पॉटी कर रहा ना। अरे इट्स अ फिजिकल एक्ट, इट्स अ नेसेसिटी। बोर हुआ है क्या कभी उससे? ये तू बोलना, तू बोल बोर हुआ है क्या कभी उससे? मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। सुबह सुबह अच्छे से पेट साफ होता है ना, तो अच्छा लगता है। हाँ, दिन भी अच्छा जाता है। हाँ, तो मरते दम तक अच्छा संडास हो तो मजा आ जाता है। हाँ, इट्स अ फिजिकल एक्ट, इट्स अ नेसेसिटी। तो सेक्स के साथ भी सेम है। हाँ, तो पकने का सवाल ही नहीं है। पिलाओ ना अंकल। अंकल किसी आंटी को आके पिलाओ, क्या बच्चे को पिला रहे हो? क्या क्या रहे, दांत तोड़े तेरे? चिल यार, चिल। सॉरी बोलो ना बॉस। क्या? अरे 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 रामन को पिला। अंकल हो गया रे, मैं तो सेटिंग भी आजकल बहुत मुश्किल से होता है। हाय बाबा, कभी सॉलिड प्रेशर है, सोचता हूँ सेटल हो जाऊँ। तू शादी करेगा किससे? पता नहीं, हाय बाबा ढूंढेंगे किसी को। अरेंज मैरिज? मेरी बात सुन, अरेंज मैरिज में मत पड़ तू, वरना तू है ही ठरकी। जिस किसी लड़की से मिलेगा उसी के साथ सेटिंग करने लगेगा। तेरे जैसे लोगों ने शादी नहीं करनी चाहिए। सी, मैं कभी प्यार में नहीं था, बस थोड़े बहुत कैजुअल अफेयर्स, यू नो। एक्चुअली थोड़े बहुत इज एन अंडरस्टेटमेंट। पद्मिनी सुनो, एक मिनट। हेलो सुनो पद्मिनी, एटलीस्ट कॉफी पी के जाओ ना। पद्मिनी, आई डोंट वांट टू ब्रैग अबाउट एनीथिंग, यू नो। ये सब पुरानी बातें हैं, इट डजंट मैटर। क्या फर्क पड़ता है ना? नहीं, फर्क तो पड़ता है। हाँ, बस कुछ कैजुअल अफेयर्स यू नो लेकिन सीरियसली मैं अभी सेटल होना चाहता हूँ एक दो एक्चुअली दो अफेयर्स नहीं कुछ सीरियस नहीं था लेकिन वो कॉलेज में कैजुअल मैं जाके तीन लड़कियों को मिला तीनों ने रिजेक्ट कर दिया यार यूसुफ ये हो क्या रहा है मेरी लाइफ में इट्स पैथेटिक तो तू और क्या एक्सपेक्ट कर रहा है बे अरेंज मैरिज डिसेंट लोगों का प्लेग्राउंड है टिपिकली एक डिसेंट लड़का क्या बोलेगा मैं एक लड़की से प्यार करता था लेकिन कभी बोल नहीं पाया लड़की इंप्रेस लड़का पास समझा मैंने ना मंदर को लाइफ में हमेशा सही चीज बोली है लेकिन आदमी ही गलत हो तो क्या कर सकते हैं स्कूल में एक लड़की से प्यार करता था बट उसको कभी बोल नहीं पाया तो तुम्हारा कोई अफेयर नहीं था नेवर झूठा लेकिन इस झूठ ने उसकी वाट लगा दी अच्छा हुआ सो स्टोरी है मेरे कजिन मंदार पोंक्षे की थोड़ी पर्सनल सी है लेकिन मजा भी तो दूसरों की पर्सनल खिड़की में झांकने में आता है नाखून क्यों पूरा हाथ ही काले मूर्खले का हर समर वेकेशन में मंदार के पापा मुझे और मंदार को जबरदस्ती इंदिरा आत्या के घर छोड़ देते सो दैट हम लोग ये पूरा वेकेशन कच्चा नींबू कजिन्स के साथ बिता सके लेकिन उनमें बस एक ही पक्का नींबू था क्षितिज ओए आ गए तुम लोग हैं क्या कर रहे बगल के गांव में पला बड़ा मुझसे एक साल छोटा और मंदार से एक साल बड़ा था ये देखो क्षितिज क्या कर रहा है ए मागड़ा क्या कर रहा है बाथरूम में जाके सुसु कर अरे अज्जी सूखे पेड़ को पानी दे रहा हूँ गधड़िया खारा पानी अच्छा नहीं लगता पेड़ों को बढ़ाया पानी देने वाला क्षितिज है ना धतिंग करने में उस्ताद था इसीलिए उसके माँ बाप ने उसको भोसला मिलिट्री स्कूल में भेजा था मतलब उसकी जिंदगी एकदम लेफ्ट राइट लेफ्ट कितना मुद्दा है रे तू खारा पानी पेड़ों को पिलाए तिगड़ी 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 चलते फिरते झरना बहाए तिगड़ी तिगड़ी सुसुमड़ी में कॉमेडी हाँ बोल अरे दिलीप बोल ना मैं तेरे पापा ने तेरा नाम दिलीप कुमार से इम्प्रेस होकर दिलीप रख दिया ना तेरे को मालूम है ना फालतू में क्यों पूछता है तो मंदार आज से हम इसे असली नाम से बुलाएंगे यूसुफ क्या बोलता है आदाब से यूसुफ भाई सलाम वालेकुम माशाल्लाह यार यार प्लीज़ जश्ने मूत ठंडे ठंडे पानी में गर्मा गर्म सुसु करने का मजा कुछ और ही है आजा यूसुफ तू भी आजा कर ले थोड़ा टेक्निकली क्षितिज हमारा भांजा था लेकिन पता नहीं साले को साला क्यों बनना था अजी हम लोग में मामा भांजे से शादी कर सकते हैं ना हाँ क्यों रे किसकी करानी है शादी दिलीप और सुरेखा का अबे यूसुफ करेगा ना शादी दिलीप अरे उम्र क्या है तेरी तू शादी करेगा हाँ दूसरा धंधा नहीं है कुछ और तुझे कुछ धंधा नहीं है क्या पढ़ाई कर अपनी शादी कराने चला है रेहाना मैं उसी से प्यार करता हूँ गर्लफ्रेंड है तेरी नहीं गर्लफ्रेंड नहीं है मेरे स्कूल में बट यार मैं शादी तो रेहाना से ही करूँगा सुरेखा से नहीं अच्छा यार अच्छा वो तेरा नाम यूसुफ रख दिया अब उसके घर वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा है ना हाँ अरे हाँ सुनना यूसुफ और रेहाना की जोड़ी अमर रहे अकबर रहे और एंथनी भी रहे क्यों अबे लेकिन सुरेखा की शादी तू कर ले तू भी तो मामा है उसका नहीं रे ठीक है मैं करूँगा अरे ये क्या करेगा शादी ये तो कवला है रे छोटा है वो कवला एक ही साल छोटा हूँ तेरे से अच्छा हाँ कुत्ता अपनी पीठ साफ नहीं कर सकता, निकला शादी करने। तो क्या हुआ, बीवी से साफ करवाऊंगा ना। ओहो हो, सच में देखा 100%। अच्छा ओए सुरेखा, ओए सुरेखा, सुरेखा अबे हम लोग चड्डी में है ना, तो क्या कपड़े पहन के तू बीवी से पीठ साफ करवाएगा? वो हमारा लास्ट वेकेशन था, आखिर बड़े हो रहे थे और मंदार की बड़ी बड़ी आंखों ने प्रूव कर दिया कि वो भी बड़ा हो गया था। फाइनली उसने भी चादर को स्टार्च कर ही दिया। ऑफिस से आएगा तो वो जोक सोनार के पास ये लिंक ले जा। हाँ वो बताएंगे जूनियन है कि नहीं। क्या है कि नहीं? जूनियन है कि नहीं, कम कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। आई जूनियन क्या जेन्युइन। देख तेरे बाबा शादी के कार्ड कब ला रहा है। तृप्ति को कैसा लगा डिजाइन? उनका तो बाबा सॉलिड डिजाइन है। बगल वाली तो लेके गई, जोरेक्स करके रखेगी आगे के लिए। जोरेक्स नहीं ग, जेरोक्स नहीं जेरोक्स। और तुम जल्दी निकलो ना बाबा बाहर, वरना यहाँ पे कलर जेरोक्स निकलेगा। अरे आई मैं सोनार वाला के पास नहीं जा सकता। तू जो नहीं जाने वाली थी, लेकिन अब एयरपोर्ट जाना पड़ेगा ना। तू तो नहीं जाएगा, किसी को तो रिश्तेदारी निभानी पड़ेगी। तुमने पूछा मेरे से कि मैं फ्री हूँ कि नहीं हूँ, झट से बोल दिया जीजाजी और अपर्णा दीदी को। मंदार जाएगा ना रात को एयरपोर्ट ले। अरे कौन सा रिश्तेदार है पता नहीं। बाबा मैंने तो बताया है, शोभा आ रही है। अपर्णा से क्या कह रही थी शोभा आंटी? आंटी हाँ, जो अपर्णा ने कहा वो बता रही हूँ। तू अपनी दीदी से कॉन्फर्म कर ले। हाँ कॉन्फर्म करूँगा, कन्फर्म नहीं करूँगा। अरे आई मैं जानता भी नहीं उनको, मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ पिकअप करने। अपर्णा पोस्ट कर रही है ना तेरे कंप्यूटर पे उसका फोटो, देख लो। शोभा हाँ ये वही है ना डाइवर्सी जिसका लफड़ा चल रहा है। लफड़ा तो इधर चल रहा है बाबा, तुम जल्दी निकलो ना बाहर। रोज रोज मेरे ऑफिस जाने के टाइम पे ही तुमको लगता है। हाँ तृप्ति ऑफिस पहुंच गई? अच्छा सुनो ना, वो शाम का जो मूवी का प्लान है ना, हाँ वो ज़रा कैंसिल करना पड़ेगा। हाँ वो एयरपोर्ट जा रहा हूँ किसी को पिक करने। अरे जीजा जी की कोई आंटी है शोभा आंटी, कनाडा से आ रही है तो उसको पिकअप करने जाना है। नहीं जाना तो उनको बैंगलोर है, लेकिन डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिल रही थी। तो आई का ये सुपर आइडिया है कि इतनी रात को बेचारी वो अकेली क्या करेगी मुंबई में, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ। अभी आई के बारे में क्या बोलूं? आपका फ्लाइट आ गया? दूसरा फ्लाइट तो कल रात को है। नहीं मैं जा रहा हूँ पिकअप करके सीधा घर लेके जा रहा हूँ। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा सुनो ना तृप्ति तुम भी चलो ना साथ में। हाँ कंपनी हो जाएगा, टाइम पास हो जाएगा साथ में। हाँ तो तुम चल रहे हो ना? सुपर सुपर तृप्ति, टू गुड। एक्चुअली स्कूल में एक लड़की से प्यार करता था, बट कभी बोल नहीं पाया। थैंक यू। तो तुम्हारा कोई अफेयर नहीं था? नेवर। अच्छा मुझे तुमसे कुछ सुभद्रा। क्या? सुभद्रा उसका रियल नेम जानवी है। अरे सुभद्रा वो टीवी सीरियल एक्ट्रेस, वो तुम पास आए वाली। तुम सीरियल देखते हो? नहीं मॉम देखती है, मैं तो डिनर करते करते। तुम माँ को मॉम बोलते हो? नहीं आई बोलता हूँ। वैसे तुम रेंट कितना देती हो? पार्किंग पकड़ के 30। अच्छा हम दोनों शादी कर लेते हैं तो अगर तुम मुझे पसंद कर लेती हो तो। और तुम मुझे? तो मैं मॉम आई बाबा के साथ रहता हूँ, तो तुम्हें से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं अपना घर हो तो बेटर है ना। वैसे तुम्हारी माँ पे भी डिपेंड करता है कि वो कैसी है। नहीं इतना सोचा नहीं मैंने इन सब चीज़ों के बारे में। तुम्हें पहला हूँ जिससे तुम मिल रही हो। दूसरे हो। वैसे आप सोचने लगी हो। Not that I've been forced into this, but not getting any younger, right? तुम? I feel very young. तुम चौथी हो। तुमसे पहले 3 लड़कियों को मिल चुका हूँ। मूर्खा! वैसे क्या चल रहा है इसका मार्केट में रेट? महंगी होगी ना? तुम कंजूस टाइप के हो? अरे नहीं, वो मैं बार बार फोन घुमाता रहता ना, तो इसीलिए रीजनेबल मॉडल। अच्छा, एनीवे, लिसन, आई हैव हैड अ फ्यू रिलेशनशिप्स बिफोर, और एक बहुत सीरियस थी, उसमें हमारी एंगेजमेंट हुई थी, बट दैट डिड नॉट वर्क आउट, और उसके बाद भी एक्चुअली आई वाज। त्रुटि, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा नहीं, क्योंकि जो पहले वाला था उसको शायद इसी बात से फर्क पड़ता था, इसलिए ना बोलती। सीरियसली कुछ फर्क नहीं पड़ता। आई मीन आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि जो पहले वाला था, ही वाज आल्सो लाइक यू, नेवर हैड अ रिलेशनशिप बिफोर, और तुम्हारे जैसे लड़कों को ये अरेंज मैरिज सिनारियो में शायद ऐसी लड़की चाहिए होगी जो यू नो, आई मीन बेसिकली दूध की धुली टाइप्स। तुम 100% टीवी सीरियल देखते हो। दूर दूर तक दूध की धुली नहीं हूँ मैं। तुमने फिल्म देखी है? ओरिजिनल अच्छी लगी है ये? ओरिजिनल देखी नहीं है। क्यों? वो टिकट ही नहीं मिल रहा था। अरे ब्लैक में भी नहीं मिला। बस बस टिकट है नहीं है रे, चला के। एक्सक्यूज मी, ये एक्स्ट्रा टिकट। बस बस ब्लैक ब्लैक कर देखता हूँ के। ए सूर्या, ए सूर्या, ए क्या है किधर? पिक्चर देखने? नहीं यार, स्टेशनरी जा रहा हूँ, चार्ट पेपर लाने। तू पिक्चर देखने आए हो रे? ट्यूशन था आज, बंक किया मैंने। हाँ हाँ ठीक है, चल। आना है क्या? चल ना। नहीं चल, बाय। सच्ची में नहीं आना है? नहीं। दस्तावेज क्या है? अग्निपथ देखना क्या? दस्तावेज 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 दस्तावेज। भाई लोग, यहाँ पे गंदा करना अलाउड नहीं है क्या? सॉरी सॉरी सॉरी। चलो भाई लोग, शो खत्म। लाइट्स ऑन कर। रसिका दुम दुम दाना तुम दुना दुम दुम दाना तुम दुम ना रसिका रसिका हम चले 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 ना 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 ना। ये क्या समझाना? सर सॉरी सर, सॉरी सर, आई डोंट नो व्हाट वाज गोइंग। डोंट नो व्हाट? वो पोस्टर का मिस्टेक हो गया, मुझे लगा छोटा चेतन इसलिए देखने आया। हे गाइस, ये छोटा चेतन देखने आया था? उम्र कितना है? सर उम्र 18 रनिंग। 18 रनिंग? यस सर। तो मैं 19। चलेगा तेरे को? सच्ची उम्र बता। सर 15 है। बात कर रहे हैं यार, बहुत महंगा दे रहा है। देने वाला भाव बोलना। 12 में डन करे? नहीं सर, वो शक्ल ही ऐसा है मेरा। घर का नंबर दे। घर का नंबर? हाँ। फोन नहीं घर में? कोई बात नहीं, बगल वाला का नंबर दे। वो बगल वाला गाँव को गए। नीचे वाला? नीचे कोई रहता नहीं है। कमाल है यार, कोई नहीं रहता? नहीं, कोई नहीं रहता सर। चल एड्रेस दे। सर क्या? एड्रेस 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 दे। काम करता हूँ ना, तेरा घर आता हूँ और आके सॉरी सर, नहीं सर, बाबा को बाहर निकाल देंगे, आपके पाँव पड़ रहे हैं। उसके बाद उनको छोटा तीन की पूरी स्टोरी सुनाता हूँ। घर में एंट्री नहीं देंगे, बहुत धोएंगे। कोई बात नहीं, 3D में दिखाऊंगा। नहीं सर प्लीज, लास्ट चांस दो, फिर से नहीं आऊँगा प्लीज। चल बैठ सर। नहीं प्लीज, चल बैठ सर। थिंक अबाउट इट ना सर। बैठ। बस भाव, बस बस रहने दो। बस अलेवड़े आप टिकट है वो। सर पूरा तो काटो ना सर। क्यों सर, मैं ऐसे कैसे बाहर जाऊंगा सर? क्यों शर्म आ रहा तुझे? ये सब फिल्म देखता है तब शर्म नहीं आता? सर प्लीज सर, ऐसे कैसे बाहर नहीं जा सकता मैं सर, प्लीज। चल निकल यहाँ से सर, प्लीज सर। सर इसका कुछ अच्छा कर सकते हैं क्या? ओ भैया, अरे काटो। उसके सिर को इतनी देर देखने से उसके बाल वापस नहीं आएंगे। डैंड्रफ की वजह से बाल निकाल देना, और वो भी हमसे पूछे भी ना, कमाल है। बाबा, एक पर्टिकुलर उम्र की दहलीज क्रॉस करने के बाद क्या जिंदगी के कुछ अहम फैसले लेने का हमें कोई अधिकार नहीं है? हाँ। Good morning, boys. Please stand up for prayer. तेरी तरह डैंड्रफ ट्रीटमेंट। तू भी हाउस किरानी पहले बताया होता तो जाता नहीं था। कम इन। स्टॉप। टेक दैट कैप ऑफ। स्टूपिड फेलो। सॉरी मैम। पूरा दुनिया देख रहा था कि क्या क्या पिंटे है। तू भी हाउस किरानी क्या? नहीं मतलब क्या हुआ? दादा ऑफ हो गए थे। सॉरी यार। से तू विंग कमांडर साले। हाँ विंको। Don't Don't reject me, I am a learner. मुझे सीखने दो, आंखें सेकने दो. Hey, गाना अपने loaded है, target भी coded है. Trigger पे उंगली है, मन एकदम जंगली है, आँखों में मस्ती है, हरकत ये सस्ती है. Baby, I'm Lord Kamdev. Oh, Shehanta, 303. Please kill me. Don't be naughty, baby. Hey, 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 hey. Hi, I'm Mandar Ponkshe. Mandy. I want to be friends with you. Why do you want to be friends with her? Huh? Because... Stupid. Ab mujhko na uksao, marna hai to bhid jao. God Mary. Free not free, lunga main ek pe ek free. Hey, halkat, dikhta nahi hai beta kab touch karke jayega? Dekho kya laga? Hath se pata hai ho? Haan, tera hath hi tod degi main, haan? Ye le. Oh, Shrihanta, free not free. Kill me, please. Yeah, baby. Why? Why do you want to be my friend? Because I like you. And you're beautiful. And so sweet. And you know, the moment I see you now, bells start ringing my cerebral hemisphere. I'm Jigna. Mandy. तुम्हारे लिए गिफ्ट। थैंक्स। पूरी रात बैठकर इतने सारे गाने कंपाइल किए? नहीं वो सूर्या के पास था ना, सो कॉपी किया मैंने। पर हैंडराइटिंग अच्छी है तुम्हारी। नहीं वो मेरे बहन से लिखवाया मैंने। तो तुमने क्या किया? सोचा ना। वैसे एक बात बताओ, उस दिन तुमने मेरे फ्रेंडशिप का प्रपोजल एक्सेप्ट क्यों नहीं किया था? क्योंकि तुमने श्वेता के सवाल का जवाब नहीं दिया था। लेकिन जवाब तो ऑब्वियस था ना। लड़कियों को ना ऑब्वियस चीज सुनने में बड़ा मजा आता है। दिल की बात दिल में मत रखो, बोल दो। वो तुम्हारी फ्रेंड है ना श्वेता, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत गुस्सा आता है उसका, मारने का मन करता है उसको। दिल की बात बता रहा हूँ। हाँ। भूख लगी है? नहीं। ए, बोल ना, कैसे पता नहीं कहा? अबे मुझे भी तो अभी पता चला है यार। बट यू नो वॉट, बेस्ट के पीछे कभी नहीं जाना चाहिए। उसके सामने है ना, सेकेंड बेस्ट पे लाइन मारो यार, पटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं बॉस। अपने को क्या चाहिए, बेस्ट से मिले या सेकेंड बेस्ट से, क्या फ़र्क पड़ता है? क्या बोलता है? हाँ सही है ना? हाय, हाँ मैं पहुंच गया इधर। क्या फोटो? अरे कोई फोटो नहीं भेजा दीदी ने, लगता है भूल गई। अरे बाप रे, तो अब तू शोभा को पहचानेगा कैसे? नहीं नहीं तुम टेंशन मत लो, वो पहुंचेंगे तो फोन करेंगे ना, तो उनको बोल देना मैं इधर बाहर कॉफी शॉप के बगल में खड़ा हूँ। अरे वो क्यों फोन करेगी? उसे तो पता भी नहीं ना तू वहाँ पे है। अरे बाबा वो निकल चुकी थी जब अपर्णा ने हमको फोन करके बताया। क्या ये क्या फालतू का प्लानिंग है तुम लोगों का। मैं निकल रहा हूँ इधर से। अब मैं कैसे पहचानेगा उनको? कैसे पहचानेगा? एक मिनट बाबा से बात कर। हेलो बोलो बाबा। हेलो देखो मंदार, मैं शोभा को मिला हूँ, वो ना ओके दिखती है। ओके क्या बोल रहे हो? बोलो ना श्रीराम जैसे दिखती है। श्रीराम जैसे कहाँ दिखती है, वो अपने फादर जैसे दिखती है। फोरहेड तो एक ही है। हेलो फोरहेड है कहाँ उनका? पूरा सपाट है। अच्छा तुम दोनों आपस में बात करना बंद करो और मुझे बताओ प्लीज। हेलो 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 मंदार, वो शोभा जो है ना बिल्कुल श्रीराम जैसे दिखती है। नोज तो डिट्टो और पतली है। डबल जी नहीं पतली है मंदार। पतली है, राउंड फेस है, लंबे बाल है, लाइट ब्राउन गोल्डन कलर के बाल है। डाई किया है। आप डाई करते हैं, इसका मतलब पूरी दुनिया डाई करती है। 25 साल से डाई कर रहा हूँ, बालों को देखते ही पता कर सकता हूँ कि कौन सा डाई किया है और कौन सा नेचुरल कर रहा है। अच्छा रहने दो, मैं कैसे भी उनको ढूंढ लेगा। एक मिनट वो उनका सरनेम क्या है? सरनेम कहाँ होता है उनका? क्यों सरनेम नहीं है? क्या है? शोभा नारायण। नटराजन नटराजन नटराजन। छोड़ो मैं ढूंढ लूंगा। देखो आ गया। कितना गोरा लग रहा है ना, मैंने तो पहचाना ही नहीं। ये फॉर्म में क्या क्रीम लगाते हैं, सही में कितना गोरा हो गया। सॉरी, एक्चुअली वो ड्रेस चेंज करना था तो देर हो गई। क्यों? तो तुम्हें क्या लगता है कि ऐसे ड्रेस पहन के मैं ऑफिस जाती हूँ? तृप्ति वो रेस्टोरेंट जाने से पहले मेरे एक दोस्त के घर चल सकते हैं थोड़ी देर के लिए? मतलब एक छोटी सी पार्टी चल रही है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस मुँह दिखाई। ठीक है इट्स ओके, इतना ज़रूरी नहीं है, इट्स ओके चलो। बताया क्यों नहीं? एनिवर्सरी है, गिफ्ट तो लाते। फिर मैं बोलने वाला आगे से बताया करो। वैसे ये सारा टाइम दिख रहा था। ओह शिट। Is it supposed to? No 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 no। मैं ऑफिस से डायरेक्टली आई ना तो ब्लैक लाना भूल गई। बोलना था ना। अरे सबके सामने कैसे बोलता? ये ना हम हॉस्टल में थे ना, हमारा कोड वर्ड था RSVP। RSVP। हाँ, जब भी कोई RSVP बोलता तो सब अपने अपने ब्राज एडजस्ट कर लेते थे। कुछ मतलब भी है इसका या ऐसे ही? नेक्स्ट टाइम मेरे कपड़े फाड़ दोगे। अच्छा नहीं। तुम्हारा दोस्त बहुत फनी है। तो कुछ सोचा है तुमने हमारे बारे में? दो बार तो मिला है। I don't know. किसे मिलना है? म्याऊ म्याऊ म्याऊ। तो मिस्टर सविता कॉन्फ्रेंस इसीलिए तो बुलाया है, वरना एक बार तेरी शादी हो जाएगी तब तो कहाँ आने वाला है। मैं और शादी? हाँ। अच्छा सच्ची? हाँ चल। ये वाला दिन जिसको सच बोलना था उसको झूठ बोला, अब दूध के धुले का एक्टिंग करना पड़ेगा मेरे को। तुम ये सब तेरी वजह से हुआ है। मैंने क्या किया? मैंने बोला था झूठ बोलने के लिए। अगली बार मिलेगा तो सच बोल देना, बोलेगा ही नहीं। पहले उसको हाँ बोल ले देना, उसके बाद देखता है मैं। मंदर प्लीज तेरा वासुगिरी मत चालू करो उसके साथ। नहीं चांस ही नहीं है इसके साथ। नहीं सुधर गया ना अभी। तेरा क्या भरोसा है? एक तो समझा नहीं, जिनके साथ मैं ये सब करता था ना वो सब पार्टी पैक थे, ये फैमिली पैक। फैमिली पैक दो। नहीं नहीं कौन में दे, ये वाला दो। हाय बेबी। नो बेबी। या बेबी। हेलो को फिर से मिलना है? ओके डन। सुधर गए? नहीं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ठीक हो गया मैम। थोड़ा विड्रॉल सिम्टम्स। अच्छा तेरे को तृप्ति का फोटो ईमेल क्या देखा क्या तूने? हाँ ये मिस फर्गुसन जैसे दिखती है। कौन मिस फर्गुसन? वो जो पुणे में थे तो वो क्षितिज वाली? हाँ। पागल है क्या? वो तो बहुत अलग दिखती थी रे। स्नेहा मजगांवकर। एक क्षितिज भी ना, उसको आर्मी यूनिफॉर्म में देख के क्या तो लड़कियां मरती थी उसमें। क्षितिज चल। वो देख वो पेट सूखा लग रहा है यूनिफॉर्म में। तो जाना ऊपर हॉस्टल में करके। We'll see you. Bye. Bye. Okay. शाम को मेरे बाहर आइए। हाँ okay fine. तेरे पास तो इतने सारे ऑप्शंस है ना, तो मेरी भी कुछ सेटिंग करा ना। ए सुन ना, ए क्षितिज, ए सिखा ना मेरे को भी, कुछ आइडिया देना। क्षितिज तू तो मेरा भाई है ना। यार यूसुफ मत रो यार, तू रोते वक्त और भी खराब दिखता है। हाँ अच्छा सुन, रेहाना के पास जा और दिल की बात बोल डाल। 10 साल में नहीं बोल पाया, अब क्या बोलेगा? वो किसी और से पट गई रे। अबे तूने जैसे बहुत लोगों को बोला है। एटलीस्ट मैं ट्राई कर रहा है ना। देख यूसुफ, तूने उसे एक लड़के के साथ सिर्फ बात करते हुए देखा था, राइट? हाथ तो नहीं डाला था, मतलब हाथ वगैरह पकड़ा नहीं था, राइट? इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि वो पट गई। डेयरिंग कर, बोल डाल। अरे तू कहाँ जा रहा है? तू तो शाम को जाने वाला था ना। यार एक मीटिंग है। मिस फर्गसन? नहीं, दूसरी। यूसुफ, इसको देख और इससे सीख, ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता है। क्या हंस रहे थे? तेरे को क्या लगता है तू बहुत बड़ा स्टड है इसलिए लड़कियां मरती है तेरे पे? यूनिफॉर्म की वजह से हो रही है। चल ठीक है, उसके लिए भी सिलवा देते हैं। कपड़ा ज्यादा लगेगा लेकिन। कैसे भाई हो तुम लोग? बस अरे बहुत जल्दी में कोई ऑटो नहीं मिल रहा है, प्लीज थोड़ा आगे जाने बस। भैया 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 आप आगे चलिए। थैंक यू। ये चेंज नहीं 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 रखो प्लीज। नहीं नहीं रखना ही पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन इज कंट्रीब्यूशन। तुम यहाँ स्विमिंग करने आती हो? लगती हो स्विमर। आई मीन हेल्दी एंड फिट। मंदार पोंक्षे। योरसेल्फ? पारुल। सरनेम? कोटक। पारुल कोटक, नाइस। इधर उतरने का भाई। अरे तुम आगे देख के चलाओ ना, तुम फालतू में एक्सीडेंट कराओगे। लेकिन तुमको उतरना कहाँ है? एक्चुअली मैं तुमसे मिलना चाहता था। आई वॉन्ट टू बी फ्रेंड्स विथ यू। क्यों? अब ये भी बताना पड़ेगा मिस पारुल कोटक। बट आई रियली रिस्पेक्ट यू। वो लिफ्ट नहीं देती या जूता मारती तो? जूता मारती तो समझने का है नॉट इंटरेस्टेड है। प्रतीक तू बच्चा है रे, वही तो मेरा लिटमस पेपर टेस्ट था ना। पटाने में भी साइंस? हाँ, ये सब कैसे कर लेता है? सिंपल है बॉस, स्मेल द नीड्स ऑफ अ वुमन, वास लेने का। वासु। सर वासुदेव हो आप। तुम समांता फॉक्स के बहुत बड़े फैन हो। लेकिन उसके सिंगिंग का नहीं है, उसके वो फिटनेस का। वो तुम्हारे नेक पे क्या है? बर्थमार्क क्या है? पता नहीं। मोल है। ओ, हाँ। मेरा भी है, देखो यहाँ पे है। यहाँ पे वो कहते हैं कि वो दिल पे जिसका तिल होता है ना, तो वो बहुत फ्री और बहुत ओपन माइंडेड होते हैं, बहुत बहुत लिबरेटेड होते हैं। तुम भी लगती हो बहुत फ्री और लिबरेटेड, तो तुम्हारा भी होगा ना दिल पे तिल? हाँ? दिल पे तिल? यहाँ? हाँ। नहीं, आई डोंट नो, पता नहीं। देखते हैं ना अभी। हाँ चेक कर लेते हैं ना। रहने दो ना, अभी चेक करो ना। कोई आ जाए। नहीं आज प्रैक्टिकल चल रहा है ना तो कोई नहीं आएगा। लड़की कहाँ है? बाबा वो 2,500 रुपये चाहिए, लॉक टेबल खरीदना है। नहीं कुर्सी नहीं, सिर्फ टेबल। ना हीर ना हूर ना महंगे अंगूर ना टन लपका गद्दा ना तन मांगे तंदूर। थाली है खाली जो चाहे परोस दो, ए थाली है खाली जो चाहे परोस दो। चाहे बासी रोटी हो नमक थोड़ा, नमक थोड़ा, नमक थोड़ा ठूस दो। भिक मंगो की क्या होगी डिमांड भैया, ऐसे भूखे नंगों की कुछ भी चलेगा बस तन को चखना चाहिए। मन को ठग लेंगे खाने सा दिखना चाहिए। पतली हो दाल चाहे थोड़ा झोंक झोंक दो, लिटिल थोड़ा। पतली हो दाल चाहे थोड़ा छोंक झोंक दो। चाहे बासी रोटी हो नमक थोड़ा, नमक थोड़ा, नमक थोड़ा ठूस दो। अपना तो फंडा सिंपल है यार, कुछ जरूरत कुछ विचार। खाली पेट भैया कटती अब रात नहीं। उबला चावल सूखी पिंडी थोड़ी सी खट्टी दही, ए साथ जो अचार हो फिर क्यों अफसोस हो। चाहे बासी रोटी हो नमक थोड़ा ठूस दो। नहीं यार मैं तो जा रहा हूँ, उसके बाप की बजा के आ रहा हूँ। फालतू में समाज सेवा मत कर, तो उसको जानता भी नहीं है। अबे नीलिमा की दोस्त है यार अंजू, आज तो नीलिमा अंजू के भाई के साथ आई थी, तू तो जानता भी है उसे। ये कौन सी वाली है, तू किसी को इंट्रोड्यूस ही नहीं कराता है इसे पीछे से। अच्छा आज जो आई थी वो, कोई बाप अपने बेटे के साथ जबरदस्ती कैसे कर सकता है यार। क्या बात कर रहा है, रेप करते हो? ऐसे दूंगा ना आगे से, हाथ नहीं लगाएगा किसी को। ए पुलिस को बोलते हैं। अबे उसका पुलिस के साथ कुछ पुलबुल है इसलिए तो सब कुछ कर रहा है। देखो यार तुमको आना है तो चलो, नहीं तो मैं अकेले जा रहा हूँ। आई डोंट थिंक दिस इज राइट। क्या मंदर, अरे चलते हैं ना, बॉबिट कर डालते हैं। चल हा? अभी अभी तो हम, ठीक है तुम खेलो मैं अकेले जा रहा हूँ। एक क्षितिज, रुक रुक रुक, आता है चलो। अरे क्षितिज बस यार चलना चलते हैं। चुप, मैं तो तेरे को मारूंगा। स्वतःच्या मुलीवर हात टाकतो लाजण्या वाटत। ए मी जे सांगितलं इकडे बघ, मी जे सांगितलं ते ऐकलं नाही ना तर अंगात गरम सळ्या घालीन, डोळे ठेचीन, पुन्हा तिच्या नादी लागला ना तर पारावर नागळ करून झोडीन त्याच्या, कळलं का? एक बेकार झोडीन। करने लगा है और बहुत दिनों से कोई लड़की भी लेके नहीं आया। वो प्यार, ये कैसा प्यार है? वो नीलिमा के साथ नहीं, मिस फर्गुसन के साथ नहीं, वो इतनी सारी जो लड़कियां लेके आता था ना उनके साथ भी नहीं, सब छोड़ के अंजू। लव इज ब्लाइंड मंदार, यहाँ पे तो लव इज कलर ब्लाइंड। रेसिस्ट। अरे तूने देखा है उसको? सांवली भी नहीं, पूरी काली है। हाँ तो क्या प्रॉब्लम है? तो काले लोगों से मोहब्बत नहीं हो सकती क्या? हाँ तो जोसना आते समय कैलाश जीवन लाना। हेलो, आज जॉगिंग से जल्दी आ गए? कौन है? क्यों मेरी आवाज नहीं पहचानी? कौन बोल रहा है? ज्योत्सना? हॅलो हॅलो, पाटील साहेब आहेत का? रॉंग नंबर. तुमने फोन क्यों काट दिया? मुझे मिलना है। तो आ जाओ ना, मेरा घर तो तुम्हें पता है। दरवाजा खुला रखना। इतना टाइम इधर से आने को? देखो ये सब मजाक था, अब बस समझे, ज्यादा इमेजिन मत करो। तुम ये बताने आई हो? हाँ, और आगे से फोन मत करना। मैंने कहा किया था, तुमने किया था ना फोन। चलने देता ना, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, मैं अपने हस्बैंड को बुलाती हूँ, तुम आपस में डिस्कस करके देख लो क्या करना है। ठीक है, बुलाओ हस्बैंड को। मैं करता हूँ डिस्कस। ठीक है, खत्म करना है तो खत्म करते हैं, लेकिन एक हैप्पी नोट पे खत्म करते हैं ना। एक किस दे, सिर्फ एक किस और खत्म। बस एक किस। हेलो, चोरी चोरी तेरी मेरी लव स्टोरी चलने दे। चोरी चोरी तेरी मेरी लव स्टोरी चलने दे। चुपके से चुराई है जो खट्टी मीठी इमलियों को। चुपके से चुराई है जो इमलियों को निकलने दे। चोरी चोरी तेरी मेरी लव स्टोरी चलने दे। सही गलत का छाता भूल के भीगे हल्की हल्की बारिश में। रंग रलियों के झूलों पे फंस जाए दिलों की साजिश में। तोड़ दे बंदिशों का गुब्बारा। धड़कनों की पिंग पोंग खेले हम दोबारा। चल रहा है जो उसे चलने दे। चोरी चोरी तेरी मेरी लव स्टोरी चलने दे। चोरी चोरी हेलो ज्योत्सना, तेरी मेरी लव स्टोरी चलने दे। तो इथेच राहतो एवढं। दूसरों के दूध की कटोरी से आंखें मूंद कर हम पी गए। रिश्ते नातों की डोरी से बच के मस्तानगी में खो गए। नजरों की ग्लांस से जब मिला इशारा, झूठ मूठ रोमांस फिर क्यों ना हो गवारा। चल रहा है जो से जलने दे। चोरी चोरी चलने दे, चोरी चोरी तेरी मेरी लव स्टोरी चलने दे. मस्त लग रही है ना मेरे को. दीपक ने पहली बार जब साड़ी खरीदी थी बहुत बुरी थी. नया नया प्यार था इसलिए उसका दिल रखने के लिए मैंने कहा बहुत अच्छी. फिर वो बुरी साड़ियाँ खरीदता रहा और मैं पहनती रही. तो वो खरीदता भी नहीं और मैं खरीदूँ तो वो भी बुरी होती. एक बार ये सच में अच्छी है. इतनी अच्छी साड़ी दीपक को पता चल गया तो उसने घर से बाहर निकाल दिया तो शादी करेगा ना मुझसे. इधर आ. शादी करेगा ना मुझसे. नहीं पकड़े जाएंगे. क्या? ज्योत्सना से मिलने आया है? नहीं, मैं अक्षय के लिए कॉमिक्स लाया था. कॉमिक्स कॉमिक्स टिकट लेता है क्या? नहीं, मैं अक्षय के लिए लाया ना ये कॉमिक्स. अक्षय समझा मुझे. चल चल तेरे कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलते हैं. हाँ, तेरे घर का एड्रेस लेता हूँ मैं. हाँ, तेरे माँ बाप को बुलाता हूँ इधर. सॉरी सर, प्लीज. नहीं तो चल. बात तक किधर है? बात तो चल. सॉरी सॉरी सर, बात तक किधर है? तू चल ना. कल जब फोन किया था तो बताना चाहिए था ना. मैं आता ही नहीं. चप्पल की माँ की आंख, उसको पता कैसे चला? मुझे फोन करना बंद कर दो. जितना को भी नंबर दिया उनको भी बोलो. एक मिनट मैंने किसी को नंबर नहीं दिया है. अरे सुनो ना, मेरी बात सुनो ना. मेरा क्या फॉल्ट है? अरे ज्योत्सना, कुछ सोचते ना, मिलके कुछ सोचते हैं. तू तो भाग गया, मैं कहाँ भागेगी? Congrats. 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 तू गलती करे और सफर कोई और करे. Makes no sense. गलती क्या है पता है? जो कुछ भी किया सुमड़ी में नहीं किया. तेरे लिए तो सब आसानी है. पहले तू सोसाइटी छोड़ के भाग गया, बाद में शहर छोड़ के भाग जाएगा. उस आंटी का क्या? हाँ? उसका तो डिवोर्स भी हो गया होगा. बच्चा भी था ना रे उनका. हाय पारुल, अरे अरे सुनो ना, मेरी बात सुनो ना. एक मिनट. अरे क्या? अरे मैं कुछ और चीज के बारे में बात. पारुल प्लीज प्लीज फोन मत रखो. पारुल पारुल फॉलो करना है. चल के जाना, पाटलक कर पाएगा. तू चुपचाप स्लो करना. ले जा पाँच नंबर पे. I was thinking, morning college है. पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन कर लेता हूँ, एक्सपीरियंस मिलेगा. आई मीट न्यू पीपल, ग्रुप डिस्कश. हाय, एक्सक्यूज मी, दिस इज मंदार. आई एम आलोक. इसने बताया क्या हमारे बारे में डिटेल में? हॉस्टल के बारे में मुझे क्यों निकाला? बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है पारुल, इसको बताना चाहिए ना. आई वुड रियली लव टू नो, बट तुम नीचे जाओ. मैं क्या कर रहे हो मंदार? क्यों कर रहे हो ये? प्यार करती थी तुमसे, शादी करना चाहती थी. अब मैं आलोक से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी. तुम उससे शादी कर रही हो? ग्रो अप मंदार. मेरे दिल फेंक दोस्तों, ये अजीब सा खेला है. हाँ और ना का मेला है. शक्कर का दाना कभी करेला है, कभी सविता, कभी सुनीता, कभी बेला है. तू मुस्कुराए वही चाहत है, तू मुस्कुराए वही चाहत है. दिल चुराना तो मेरी आदत है, एक्चुअली दिल चुराना तो मेरी आदत है. तू मान जाए वही चाहत है, एक्चुअली मान जाए वही चाहत है. दिल लगाना तो मेरी आदत है, दिल लगाना तो मेरी आदत है. यूसुफ यूसुफ बस रे, अब बहुत हो गया रे यार. अरे बस करना रे, हरा रहना. वो शादी कर लिया उसने, अब चलना नहीं, जिंदगी शुरू करना. यूसुफ उसने झांका ना कार से वरना, उसने झांका ना कार से वरना, अरे सैकड़ों एक्सीडेंट हो जाते. बंजारों सी है मेरी, आज से तुम्हारा नाम शबनम नहीं, आवारों सा रेहाना. क्यों? तू शादी करेगा मुझसे? यस. बंजारों सी है मेरी फितरत, आवारों सा है जीना मेरा, चेहरे पे मैं सनम मरता हूँ. टूट ना जाए दिल, आई मीन टूट ना जाए दिल, मैं सनम डरता हूँ. प्यार करना मेरी शरारत है, प्यार करना मेरी शरारत है. दिल चुराना तो मेरी आदत है, एक्चुअली दिल चुराना तो मेरी आदत है Your faithfully दिल लगाना तो मेरी आदत है दिल चुराना तो मेरी आदत है दिल चुराना तो मेरी आदत है दिल लगाना तो मेरी आदत है दिल चुराना तो मेरी आदत है दिल लगाना तो मेरी आदत है किधर था रे तू? तेरे पेजर पर कितना मैसेज छोड़ा? वो आई मैं फोन के बगल में नहीं था। तुम क्या रो रही थी? अपना क्षितिज गया रे। कश्मीर में दूध की मूंछों वाला मूत के पेचों वाला फुंसी खरोचों वाला बचपन भी था साला फुंसी खरोचों वाला बचपन भी था साला यादों के चक्कर थे न सपनों के मच्छर थे हम ही थे अपने शहंशाह खुद अपने अफसर थे एक तू था थोड़ा तेरा एक मैं भी थोड़ा मेरा और एक था वक्त कबूतर जो खिड़की पे ना ठहरा चोर पुलिसों वाला बचपन भी था साला तुझ जैसा बनना चाहा तुझे जेब में रखना चाहा तूने दूर से ठेंगा दिखाया कभी हाथ ना मेरे आया गच्ची पे सुट्टों वाला बचपन भी था साला शादी के लिए हाँ कर दी वो भी इतनी जल्दी तुम अच्छी लगी इसलिए 2 दिन में मुझ में अच्छाइयाँ दिखने लगी बहुत सारे जैसे कि तुम ड्राइव कर सकती हो और मैं नहीं तो रोज ऑफिस साथ में जाएंगे ना तुम ड्रॉप कर दोगी और शाम को पिकअप कर लोगी शादी क्यों कर रहे हो ड्राइवर रख लो गाड़ी नहीं है मेरे पास वो भी चाहिए देखा एक बार अच्छा निकल के आया ना तुम्हारे पास गाड़ी है पर सीरियसली ना ये अरेंज मैरिज मेरी समझ में नहीं आ रहा वो मेरी बहन ने कहा इसलिए मैंने ट्राई किया पर मेरे बस की बात नहीं है नहीं कोई प्रेशर नहीं है हम मिलते हैं ना तुम अपना टाइम लो मिलने की बात नहीं है मंदार, वो स्कूल से ही मेरे रिलेशनशिप्स रहे हैं, मतलब छोटे बड़े, तो सडनली ना अरेंज मैरिज मुझसे नहीं हो रहा है यार। तुम मेरे भरोसे मत रहो, किसी और को ढूंढ लो प्लीज़। भैया ये कुर्ता ऑर्डर करो, और उस दिन वो दिया था ना चूड़ीदार दो, वो मेरे पास रिसीट है। हाँ ये कलेक्ट करना है, 10 मिनट लगेगा, जल्दी करना। तुम्हारा एंगेजमेंट चैक्स के साथ हुआ था क्या? नहीं, रव करके था। अच्छा तुम उस लड़की को क्यों नहीं बोल पाए? किस लड़की को? तुम्हारे स्कूल में थी ना। अब वो फियर ऑफ रिजेक्शन, डर, यही प्रॉब्लम है ना तुम जैसे लोगों की। अरे तुम्हें किस टाइप की लड़कियाँ पसंद है? किस टाइप की मतलब? 3 o'clock क्लॉक इमेजिन करो ना, 3 o'clock। नहीं ऐसे डायरेक्टली नहीं देख सकते तुम। तो कैसे देख सकते हैं? कुछ ऐसे ऐसे देखो ना। ऐसे पतली है। डिजिटल क्लॉक है क्या? 10 या 11? 10 में भी एक है, 11 में भी एक है, उन दोनों को 22 सेट करके एक और है। वाह वाह, अच्छा तुम ऐसे डायरेक्टली स्टेयर कर सकती हो? हाँ, लड़की वो लड़की को देख सकती हो। अच्छी है, अनमैरिड भी लगती है। चलो बात करो। नहीं, अब बात करो। क्या होगा, चप्पल पड़ेगी। बड़े बाजार में चप्पल नहीं खाने मुझे। अरे चप्पल पड़ी तो क्या हुआ, ये अंदर का डर है ना, निकल जाएगा। दिल की बात दिल में मत रखो, बोल दो। जाओ ना, जाओ। ट्राई करूँगी। हाँ। मैं ट्राई करता हूँ। हाँ। गो। मैं इसमें 34 डी देना। हाँ? देना? छोड़ो वो ब्लू वाले। भाईजान इस पे हाथ मत रखिए, दब जाएगा। इसमें दबाने जैसा क्या है? मत रखिए। सॉरी। तुमने आरएसवीपी की पूरी दुकान खोल दी। अच्छा तृप्ति, ऐसा सीधा रिजेक्ट मत करो ना, थोड़ा और मिलते हैं, एक चांस तो दो। वीकेंड को मिले? नहीं, वीकेंड को मैं पुणे जा रही हूँ। तो मैं पुणे आ जाता हूँ ना, वहीं मिलते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं आई बाबा को मिलने जा रही हूँ। अरे भैया वो उसमें डाल के दो ना। अभी पुणे इतनी प्यारी जगह है, मैंने सोचा प्यारी जगह में शायद तुम मुझे अलग देखोगी और हाँ बोल दो। बिल्कुल नहीं, तुम पुणे आ चुके हो पहले? बस क्या, इंजीनियरिंग के 4 साल काटे मैंने, धमाल जगह है। ओह शिट। बस। कितना हुआ? 60। अरे वो गाड़ी को फॉलो करो। ये देखो यहाँ आए। अरे करेला नहीं चाहिए, दूसरा कुछ देखो। क्या ले लोगे क्या? ये लोगों ने वो तो है, दूसरा कुछ देखते हैं। Hi sir, Dara, store manager. You need a basket, sir? No. Sir, how do you begin your day with? Huh? I mean, cereals, cornflakes, oatmeal. I have poha. Have a good day, sir. Sorry, sir. No, yaar. तृप्ति, तुम यहाँ पुणे में कैसे? हाय, वो मैं मेरे आई बाबा को मिलने आई थी। आई ये मंदार, ये बाबा, वो तृप्ति की फ्रेंड है ना टेक्सास में, उसका भाई है, जिसको मैं मिलने गई थी। अच्छा अच्छा, ये वो लड़का है। चलो कहीं बैठ के चाय पीते हैं। फोटो में देखा था ना, इसलिए पहचाना नहीं। काम से आया हो पुणे? हाँ, कुछ काम से आया। मैं आता हूँ। Excuse me, sir. Hold it. Yes. I think you forgot to pay for something. No, I didn't buy anything. Are you sure? Yes, I'm sure. Can I check your pockets? No sir, I saw you picking it up. अरे बाबा गलती से मैंने उठा लिया है। गलती? अच्छा? मैं तब से आपकी नजर लगा के बैठा हूँ। अरे मुझे चोरी करना तो ये चोरी करता, मैं कुछ बड़ा नहीं उठाता। हर चोर चोरी करने से पहले यही कहता है। Shoplifting is a criminal offence. Oh no, no, no. Sir, actually, he is with us, and my parents are here. There, they're paying for it. I think this is just a confusion. So would you like to buy it? नहीं नहीं, ये आप रख लो। Sure, sure, sure. Thank you, sir. Thanks, ma'am. Thank you. The condom? अरे वो क्या तुम्हारे पिताजी ने मुझे देख लिया तो मैं घबरा के कुछ उठा लिया और फिर वो हाथ मिलाने के टाइम तो मैंने जेब में रख लिया। तुम पुणे क्यों आए हो? दिल की बात बताने। दिल की बात? तुम्हीं ने तो कहा था दिल में जो बात है उसको बोल देना चाहिए, दिल में नहीं रखना चाहिए। तो? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पर ये तो तुमने बोल दिया था। हाँ वही। Actually हाँ बोल दिया था। अब वापस मुंबई? अब भी आए हो? हाँ। ठीक है रह जाओ। कल साथ में चलते हैं। वैन मेरे नाकारे नैन पढ़ न पाए तेरे कारण अनपढ़ ये बेचारे हैं शरारत सिखा दे इन्हें ना समझ ना करे हैं इशारे दिखा दे इन्हें नैना जो लड़ते हैं लड़ने दे ओ पिया नैनो की किताबें पढ़ने दे ओ पिया नैना जो लड़ते हैं लड़ने दे ओ पिया नैनो की किताबें जो पलकों के पन्ने पलटे तो चाहत पढ़ूं मैं तेरी नजरों पे लिखे लफ्जों की आहट सुनूं मैं हर हरफ तू पढ़ने दे सुबह इश्क चढ़ने दे नैनों की शरारतें बढ़ती है तो बढ़ने दे नैनों से छीन ले चैना नैना जो लड़ते हैं लड़ने दे ओ पिया नैनों की किताबें नजरों को पढ़ के ये जाना नादा थे कितने हम दिल ने ये माना धड़कन से अनजान थे कितने हम अब सुकून मिल गया मुझको तू जो मिल गया नैन तेरे देखते देख कैसे दिल गया ख्वाबों को मिल गई रहना मंदार का हो गया तू कब करेगा शादी सीनियर सिटीजन होने के बाद ट्रिप्टी की बहन अपर्णा के बाजू में रहती है ना टेक्सास में तो उन दोनों को तो जून में ही टाइम मिलेगा आने के लिए इसलिए शादी 3 महीने बाद रखी है बराबर पैठणी पहनना आप शादी में अंजू प्रथमेश तो क्षितिज का एकदम जोराश कॉपी लगता है आई ने फोटो दिखाया था मुझे एकदम क्षितिज जैसा ही दिखता है अच्छा है सिर्फ शक्ल मिलती है चल चल जोर लगा दूध नहीं पीता क्या शेर कभी दूध नहीं पीता हाँ बे शेर घास नहीं खाता है दूध पीता है इसीलिए स्ट्रांग है चल चल दम लगा चलो प्रथमेश दिखाई देते हैं चीटर चीटर प्रथमेश काफी शांत है पनक क्षितिज तो बाप रे पूछो मत इतना दंगा करता था ये भी कुछ शांत नहीं है अच्छा ये तू कितना टाइम लेता है देख मैं कितने फटाक से पहन लिया मैं मेरे सैंडल फटाक से ही पहनता हूँ चलिए निकलते हो अब आप सब लोग पुणे आइएगा ठीक है तृप्ति तुम इन सबको लेके आना चले सुसु करना है पक्का नहीं तो बाहर जाके कहोगे तुम छोड़ो ना अंजू अरे ये लड़का बिल्कुल पागल है इसे हमेशा बाहर जाके ही सुसु करना होता है घर के टॉयलेट में सुसु करने में क्या प्रॉब्लम है पता नहीं चले मैंने साजिश फिर कर डाली उंगली पिस्तौल बना ली कानी आँख से एम लगा के धम से गोली चला दी और तू टपका धूल से चिपका रोक ली सांसें बज गई ताली क्षितिज भी कभी टॉयलेट में सुसु नहीं करता था हमेशा बाहर बोलता था पेड़ कितना सूखा है वो खेल था बे ओ साले सब झूठ था बे ओ साले बाजी छोड़ के जाने वाले ये बेईमानी है ये बेईमानी है ओ साले क्या पंक्षे एंगेजमेंट में बुलाया नहीं शादी में बुलाएगा ना तू पहले बता गिफ्ट क्या रहेगा उस पर डिपेंड करेगा कंजूस। अंदर जाके आ जाऊंगा सर। अरे मैं आपको अंदर नहीं जाने देता सर। 10 बजे उनका फ्लाइट लैंड हो गया था, अभी 1 बज चुके हैं सर। अरे सिक्योरिटी का मामला है भाई, आप मैं जानता हूं सिक्योरिटी का मामला है सर। नहीं पूछता सर, बहुत बुड्ढी औरत है सर, मैं यूं गया यूं आया, सिर्फ 2 मिनट लगे सर। सर प्लीज सर, वो पहली बार शहर में आ रही है सर, तो अंदर कुछ लफड़ा हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना सर। सर प्लीज अंडरस्टैंड। ठीक है, आप एक काम करो, वहां जाओ, वहां पर वो देखो हमारा गार्ड खड़ा है, वो एग्जिट पासेस कलेक्ट करता है, आप उसको जाकर पूछो, चेक करो एग्जिट पासेस। हां उधर लिखा रहता है सब कौन एग्जिट किया है, आपको पता चल जाएगा कि आपकी आंटी ने एग्जिट किया है नहीं। हो गया सर, थैंक यू। ये वही है ना ड्राइवर सी जिसका लफड़ा चल रहा है। ब्राउन फेस है, लाइट ब्राउन गोल्डन कलर के बाल है। थैंक यू सर, वो निकल गए। एक कॉफी देना। काफी टाइम से इंतजार कर रही हूं। तुम कहीं से आ रही हो या कहीं जा रही हो? आई हूँ। किसी का वेट कर रही हो? नो। हाँ, एक्चुअली आई हैव अ फ्लाइट टुमारो। टुमारो? मतलब रात भर तुम यहाँ पे इंतजार करोगी? आंट यू अनकंफर्टेबल? या, बट इट्स ओके। यू शुड चेक इन टू होटल। एक्चुअली मेरे घर के पास ना एक बहुत अच्छा होटल है, इट्स वेरी कंफर्टेबल। मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ ना, यू कैन चेक इन देयर। लेकिन तुम किसी को पिक करने नहीं आए थे? नहीं। आई सॉ यू आउटसाइड। वो तो मैं ऐसे एयरपोर्ट टाइम पास करने आता हूँ। दैट वाज अ जोक। हाँ मैं किसी को पिक करने आया था एक्चुअली, लेकिन कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया और अभी मैं घर वापस आ रहा हूँ। By the way, I am Chaks. Chaks? Chakravarti. Oh, South Indian? No, Maharashtrian. Chakravarti ran the way. Maharashtrian? Chakravarti? Yeah. पहले कभी सुना नहीं है? पहली बार रखा है। वो क्या है ना, वो मेरे पिताजी मिथुन चक्रवर्ती के बहुत बड़े फैन थे, हाँ, तो इसलिए मेरा नाम चक्रवर्ती। तो मिथुन रखना चाहिए था ना फिर? वो उनका नाम है ना, मिथुन तो फिर मेरा नाम मिथुन मिथुन रणदीवे थोड़ा वियर्ड हो जाता है तो सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे तो इसीलिए चैक्स Chaks. This is Mandar, Tripti's fiance, and this is the great Chaks. Good choice, Tripti. देखो मैं चैक्स का नाम क्या है? चक्रवर्ती। वो चैक्स तुम्हारे साथ काम करता है? नहीं करता था। अभी उसकी खुद की लैंग्वेजेस की एजेंसी है। एंगेजमेंट पे इन्वाइट नहीं किया था? नहीं। कुछ प्रॉब्लम है? Chaks is back in my life. मतलब तुम्हारी एंगेजमेंट तो किसी और के साथ? हाँ, वो टूटने के बाद मैं मुंबई आई तो Chaks भी यही काम करता था, प्यार हो गया, सही था मेरे लिए, हम 2 साल साथ रहे। शादी क्यों नहीं की तुमने उसके साथ? उसे शादी और बच्चे नहीं चाहिए थे, जानती थी फिर भी उसके साथ रही। But I want to have babies. और अब वो तुम्हारे साथ शादी करना चाहता है। तृप्ति, देखो कोई स्ट्रेस नहीं है, ऐसे थोड़ा सा भी डाउट है ना तुम्हारे मन में तो हमारा तो सिर्फ एंगेजमेंट हुआ है ना। इतना आसान नहीं है। So confusing. क्या टाइमिंग है ना? पीछे पड़ा है, हर रोज फोन कर रहा है, मिल रहा है, pestering me to get back. मैं बात करूँ उसे? No, thank you. मेरा दोस्त है, मैं हैंडल कर लूँगी. म्याओ, म्याओ, म्याओ. पुणे में था ना? छोड़ दिया जो। शादी कर ली तूने? वो क्या है? भगवान। चल। अरे ये चैक्स के स्ट्रेस के वजह से हुआ ये सब। उसने अपने बारे में मुझे सब कुछ बोला है, मैंने छोड़ा क्या उसको? मैंने एक्सेप्ट किया ना? लेकिन मैं उसको मेरे बारे में बोलूँगा ना तो वो चैक्स के साथ भाग जाएगी फिर। तो छोड़ देना उसको। ऐसा क्यों कर रहा है? I can't. क्यों? तू फालतू सवाल मत कर। I don't want to. ठीक है? तो खुश रहे ना। हर जगह पे तेरा नाटक है। करेक्ट है। मैं ना उसको मेरे बारे में सच सच बोल देगा सब कुछ कि मैं वासु हूँ था हूँ। अबे ऑनेस्टी चाहिए। वो अगर है तो तेरे को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन वो तेरे पास नहीं है। तू डिसऑनेस्ट है, कम टू टर्म्स विद इट नाउ। जटा क्या ना? अरे अच्छा है, ये तो बहुत महंगा होगा ना, लेकिन 150-200 का तो रहेगा पर कार्ड। फाइनली मेरी शादी हो रही तो आई बाप पागल हो गए, पागलों की तरह खर्चा कर। तुम कुछ दिखाने वाले थे ना? अरे नहीं वो एक बस या No, just ask him to wait there, I'll come. Yeah, thank you. यार मुझे पता है तुम्हें उससे शादी क्यों करना चाहती हो। You don't want to break his heart. ऐसा नहीं है। तो फिर क्यों कर रही हो? प्यार करती हो उसे? यार प्यार नहीं करती हो तो क्यों कर रही हो? अरेंज मैरिज है चैक्स, प्यार हो जाता है। मेरे आई बाबा का हुआ था, शायद तुम्हारे माँ बाप का भी हुआ होगा। I don't know. And I like him. You know, he's a very nice guy. What if he isn't? तुम कुछ दिखाने वाले थे ना? हाँ, नहीं सैंपल है। ओह, नहीं सिंपल प्लेन। नहीं यार बहुत अच्छा है। Actually, I would have preferred something like this, bit more simple. पर हमारे तो कार्ड्स बटना शुरू हो गए ना। हाँ मैं भी बस इसका प्रिंटिंग करा के डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर देता हूँ। हम लोगों को शादी करनी चाहिए ना? नहीं मतलब मेरे बारे में सब कुछ जानने के बाद तुम्हारे जैसे दूध के दूल्हे लोग तो स्ट्रेस होके शायद मंडप छोड़ के भाग। तुझसे मैं कुछ बोलूँ? मैं कोई दूध का धुला नहीं हूं, मैं वासु हूं। वासु? As a player? कब से? स्कूल, कॉलेज के टाइम से। कॉलेज? वाह! मेरा स्कोर क्या है? अब तक 56, 50। वैसे ये कितनी लड़कियां या कितनी बार? फुल प्रोफेशनल हो गया। 100 तो 100% क्रॉस किया ना? नॉट आउट। फैंटास्टिक यार। तुमको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं मंदार, मंदार प्रॉब्लम तो सॉल्व हो रही है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है ओपन मैरिज से? ओपन मैरिज? मंदार सोचो, सोचो शादी के बाद हम दोनों एक पार्टी में जाएंगे, हाँ? तो पार्टी में जाते वक्त तो हम दो जाएंगे राइट? और पार्टी से आते वक्त हम आएंगे 4। मतलब तुम्हारे साथ अमित और मेरे साथ अमिता। ये कॉन्सेप्ट कैसा है? माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट है। अरे माइंड मतलब सारी जिंदगी हमारी इनिंग्स खत्म ही नहीं होगी, हमेशा नॉट आउट। सुपर है। वैसे ही तुम्हारा पत्ता मैं काटने वाली थी, अब गिल्ट फ्री होके काट सकते हैं। क्या? मैं चैक से शादी कर रही हूँ, तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगी। मंदार तुम कुछ कहने वाले थे ना? मंदार। हाँ? शादी करनी है नहीं? हाँ करनी है, करनी है। तृप्ति पास्ट इज पास्ट, छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है। Can I have your photo ID please? Passport will do. Yeah ma'am. Yeah. You can go up. I'll scan this and send it over. Okay. This is your room key. Thank you. You're welcome. I'll leave it here. Okay. Thank you. Oh, it's nothing. Water. Yeah. No, thanks. क्या ढूंढ रहे हो? वो कॉफी। कॉफी पीना? हाँ, it'll be nice. Okay, मैं ऑर्डर कर देती हूँ। Yeah. Can I have one coffee, please? Thank you. Arya. तुमने पियोगी? No, actually, I'm very tired. Neck pain? हाँ, 18 hours flight, you know. बैठे-बैठे. तो मैं मसाज कर देता हूँ ना? No, it's okay. Yes, come in. Ma'am, your passport. Thank you. मैं कॉफी बनाती हूँ. नेक पेन है तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए. मेरे हाथों में जादू है, इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा. Hey, I said it's okay. Sorry, yaar. Hello? Oh yes, hello uncle, how are you? Oh, really? Sorry, मुझे मालूम नहीं था. मैंने तो होटल में चेक इन कर लिया है. अरे नहीं, क्यों इतनी रात को इतना ट्रबल? I am at Hotel Ramee Grand, room number 601. Thank you. Chaks, तुम जल्दी से कॉफी पी लोगे. मुझे कोई पिकअप करने आ रहा है. हेलो. हाँ बाबा. अरे मंदार, शोभा रामी ग्रैंड होटल में रुकी है. क्या क्या? मंदार, वो शोभा है ना, एयरपोर्ट से डायरेक्ट होटल चली गई. कौन सा होटल? रामी ग्रैंड रे बाबा. तो एक काम कर, तू वहाँ पे जा और उसे घर लेके. हाँ मैं देखता हूँ. हाँ जल्दी निकल. ठीक है. वापरना से क्या कह रही थी शोभा आंटी? Okay then, bye. तुम कुछ भूल गए? शोभा, मैं तुम्हें लेने आया हूं. मंदार, so Chaks. तुम्हारी शादी होने वाली है ना? मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी. शोभा 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 प्लीज चलो ना. आई बाबा को क्या बोलूंगा मैं? शोभा Can I buy you a drink? Oh uncle, किसी आंटी को आके पिलाओ. क्या बच्चे को पिला रहे हो? अरे पागल के सॉरी बोला ना. क्या कर रहे हो मंदार? तेरे जैसे लोगों ने शादी नहीं करनी चाहिए. तू तो भाग गया, मैं कब भागी? मेरे जैसे लोगों को क्यों नहीं करनी चाहिए शादी? क्षितिज भी मेरे जैसा था. वो तो मेरा गुरु था, उसने किया है ना शादी. तू कभी क्षितिज को समझा ही नहीं. जिस दिन सच्ची में प्यार होगा ना, उसी दिन समझेगा. हाँ बाबा. अरे मिली क्या वो तुझे? हैं? हेलो मंदार. हेलो मंदार. हेलो. पहले ये सब करने में मजा आता था रे, अब बस हो गया। पूरी जिंदगी सिर्फ भाग रहा हूँ मैं। वासु का कॉन्शियंस खड़ा हो गया, अब जाके गिल्टी फील कर रहा। मैं ऐसे पूरी जिंदगी वासु बन के नहीं रहना चाहता है। I want to change. मैं बोल देगा उसको सब कुछ। क्रेजी ओके okay? मैंने लाइफ में सिर्फ क्रेजी थिंग्स सीखी है। पागलपंती है। पहली बार सही चीज के लिए मैं डेयरिंग कर रहा हूँ, मेरे को करने दे। अरे कैसा डेयरिंग, कैसा डेयरिंग? तेरे को डेयरिंग करना है ना तो कर, तेरे को बोलना है ना तो बोल, लेकिन नॉर्मल होगा तो बोलना, अभी नहीं। हाँ उतर जाएगा तब बोलना है ना। चल चल तो सही बोल रहा है। मैं उतरने तक इधर वेट करेगा, तू घर जा। स्टूपिड इमैच्योर टीनेजर की तरह बिहेव कर रहा है। एक्चुअली टीनेजर था तब भी इतना स्टूपिड नहीं था यार। मंदार इम्पल्सिवली बिहेव करेगा ना, छोड़ देगी तेरे को, बोल रहा हूँ। शादी करना है ना, हाँ तो शादी के बाद बोल, खत्म। एयरपोर्ट से आए हो, पी के आए हो? हमारी शादी को लेके बहुत डिप्रेशन में है। कल रात दारू पी के भी बहुत परेशान किया। तुम मिसअंडरस्टैंड मत करना, आई एम सॉरी। मैं उसको उठाती हूँ। नहीं इट्स ओके, वैसे भी मरा पड़ा है और तुम्हें सॉरी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है तृप्ति। आई डोंट डिजर्व दैट। वैसे भी मैं तुम्हारे और चैक्स की वजह से यहाँ नहीं आया हूँ। तृप्ति मैं वासु हूँ। मतलब मेरे टाइप के लोगों को वासु कहते हैं, यू नो। मैं I'm sorry for the language, but I don't know how to describe myself. मुझसे सेक्स कंट्रोल नहीं होता है। मैं हमेशा करना चाहता हूँ और कर देता हूँ। Hey, अच्छे घर के दिखते हो, दारू पी के रास्ते पे सोते हो, चलो घर जाओ, अपने बीवी बच्चों के पास। Sorry sir. चलो जाओ, बुढ़े जनरेशन, इसलिए। क्या बात कर रहा है यार? तूने तृप्ति को सब कुछ बता दिया? Shit, क्या बोली वो? अरे हुआ क्या? Tripti, I'm really sorry. मैंने तुम्हें पहले ही ये सब कुछ नहीं बताया. But I had my reasons. तुम sex addict हो? नहीं नहीं, addiction. It's just a habit, you know. हमारी engagement के बाद तुमने कभी किसी के साथ एक बार तुम अभी भी यही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? What happened? Get out! Get out of my house! क्या बात कर रहा है यार? साला सब कार्ड बढ़ चुके हैं। मैं बात करता हूँ उससे। मैं समझाता है ना? मुझे लगा ऐसे। क्या? हाथ से छूट गया, तुम रहने दो। तृप्ति, I don't deserve you. तुम चैक्स से शादी कर लो। At least वो तुम्हारे साथ honest रहा है, और तुम दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हो ना? मेरा दिल तो बहुत बुरा टूटने वाला है, but I deserved it. तुम चैक्स से शादी कर लो। मेरा और चैक्स का ब्रेकअप क्यों हुआ पता है? I got pregnant. मुझे लगा कि ये सुन के वो शादी करेगा, पर उसने कहा तुम्हारी गलती है, अबार्शन कर दो। पर मैं इतनी स्ट्रॉन्ग औरत नहीं थी मंदार कि मैं एक सिंगल मदर बन पाऊं। So I killed the baby. तो ऐसे आदमी के साथ मैं कैसे शादी करूं जो मेरे साथ नहीं था जब मुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। And I went to the clinic all alone. I think it's a good thing कि तुमने ये सब मुझे आज बताया। It's not easy. तुम छुपा सकते थे। या मुझे शादी के बाद पता चलता and that would have been worse. Aren't you relieved? ये arranged marriage या love marriage क्या फर्क है? It all boils down to the same thing. Trust. अच्छा है, हम एक clean slate से शुरुआत करेंगे. And then, why won't it work? Huh? I love you. Tripti, I really love you. शेव करोगे? अरे मुझे लगा तुम्हें पसंद है। नजरों को पढ़ के ये जाना नादान है कितने हम दिल ने ये और एक चीज है और ये हम दोनों के लिए है कितने तुम अपना HIV टेस्ट करवा दो। हाँ? नहीं मैंने भी किया है। देखो तुम दूध के दूल्हे थे तो नहीं बताया था. देखो अरेंज मैरिज में ये सब करना पड़ता है. हाँ करना पड़ता है. तुम एक दूसरे को जानते हो ना? बताया क्या मेरे बारे में सब कुछ? हमारे बारे में डिटेल में बताया क्या? क्या बताना है? हम लोग का जो पास्ट. नहीं तू बोलना क्या बताना है? पता होगा ना? No, you tell me. I'm here now. तू मेरे को. No, I'm not your babes, okay? Don't you dare call me babe. अरे, no, you tell me now. I'm here. Anger leads to heart attack. तू डॉक्टर है तू. Tell me five symptoms of that. पहले क्या होगा? बताना. एक मिनट कौन है किसको कहाँ से पकड़ के लाया? You think he's cool? You think you're very cool? Because of your goatee and your bald head, you're cool? You're not cool. You know what? You're not cool. तू पागल है क्या? क्यों उंगली किया उसके साथ? अरे मुझे लगा रे कि वो ऐसे बोलेगा और उसको धोएगा मैं. तुम एक दूसरे को जानते हो ना? Sorry guys, I've been acting like a jerk lately. Tripti एक एंटासिड देना यार. मेरे लिए एक डिस्प्रिन. काका काकी को क्या बोलेगा शोभा के बारे में? अबे उसने बोला तो? हाँ? नहीं बोलेगी वो. अरे 14 साल से मैं वासुगिरी के बिजनेस में है, एक्सपीरियंस है. नहीं बोलेगी. बाय चांस बोल दिया तो? अब बोल दिया तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? माँ बाप के सामने बेइज्जती होगी ना. शादी तो फिर भी कर रहा हूँ ना. क्या आप निराश हो, हताश हो? लड़कियों से बात करने में आपकी गिगी बन जाती है. इन सब परेशानियों से मुक्त करेगा आपको हंटर सूत्र. हंटर सूत्र. Don't reject me, I am a learner. मुझे सीखने दो, आगे सीखने दो. लोडेड है, टारगेट भी कोटेड है. ट्रिगर पे उंगली है, मन एकदम जंगली है. आंखों में मस्ती है, हरकत ये सस्ती है. मन को तूने सताया, तन को तूने लुभाया, मुझसे ये क्या करवाया. हो लौट खाब दे। Don't be naughty, baby. आप मुझको ना उकसाओ, मरना है तो भिड़ जाओ। कान मेरी फ्री नॉट फ्री, लूंगा मैं एक पे एक फ्री। अंदर की ये लोरी गाए हर एक छोरी। I am Lord out there. मन को तूने सताया, तन को तूने लुभाया, मुझसे ये क्या करवाया हो। मन को तूने सताया, तन को तूने लुभाया, दामन पे दाग लगाया हो। चुपके से चुराई